आज हम देखेंगे कि कैसे डायग्नोस करते हैं एक प्रेशर लीक, क्योंकि जैसे मैं अभी थोड़े दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जिस टाइम पे मैं एक्सेलरेट करता हूँ उस टाइम पे मुझे कहीं हिसिंग की आवाज़ आ रही है, जैसे जैसे हम रेस देते हैं 2000 RPM से ऊपर, तो ऐसी एक आवाज़ मे बी वो एक प्रेशर लीक हो सकता है, और हो सकता है कि वैक्यूम लीक भी हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एयर फिल्टर बाहर निकाल के ऑलरेडी रख दिया है, एयर फिल्टर की हाउसिंग खोल चुका हूँ और मास एयर फ्लो सेंसर डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। अगर किसी को नहीं पता ये सारा काम कैसे करना है तो टॉप राइट वीडियो में पोलो की सर्विस की वीडियो लिंक कर रहा हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं है, मिड में है, उसमें से देख लीजिए। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें ये क्लैंप लूज़ करना है। पर अगर आप इसे नॉर्मल प्लायर से करेंगे आप इसे लूज़ तो कर लेंगे लेकिन आपसे वापस लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ग्रिप नहीं होती। सो आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लायर, पता नहीं इसे पैरेट प्लायर बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये चाहिए होगा इसे लूज़ करने के लिए। तो मैं इसे लूज़ करके ये प्लास्टिक वाली होज को साइड करता हूँ, क्योंकि हमें प्लास्टिक होज भी चेक करनी होगी कहीं इसमें कोई लीक ना हो, क्योंकि बहुत बारी हम एयर फिल्टर निकालते हैं और वापस लगाते हैं तो ये जो इसके कॉर्डियन स्टाइल वेन्स हैं ये बेंड होते हैं, तो इनमें इसके बीच में कोई क्रैक ना हो इनमें। तो मैं निकालता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ, और उसके बाद इसे और डिस्कनेक्ट करने के लिए नीचे एक क्लैंप देख सकते हैं आप, तो हमें इसे भी लूज़ करना होगा। उसके बाद हमारी ये पाइप पूरी बाहर आ जाएगी, उसके अंदर CCV की कनेक्शन भी है, ये टॉप राइट यहाँ पर ये रहा CCV का कनेक्शन, हमें इसे भी लूज़ करना होगा। तो ये तीन चीज़ें करने के बाद हमारी ये पाइप बाहर आएगी, मैं बाहर निकालता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने ये क्लैंप पूरा बाहर निकाल दिया है, मैं अब देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, तो अब आपके पास अगर नॉर्मल प्लायर है तो उसकी पकड़ में नहीं आएगा। सो हमने एयर बॉक्स को कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया है, एयर बॉक्स कम्प्लीटली बाहर है, ये रहा हमारा मैप सेंसर, और थोड़ा बहुत ऑयल की कंडेंसेशन है, अभी इसे थोड़ा साइड रखते हैं और आपको पाइप के इंटरनल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल है, तो हम लगे हाथ इसे भी क्लीन कर देंगे। ये थोड़ा बहुत CCV वाल्व से होता ही है, डीजल व्हीकल्स में ये काम नॉर्मल है, CCV से रिटर्न इवेपोरेशन उठाई जाती है, तो एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में हम थोड़ा सा इंजन को जानबूझ के गंदा करते हैं। इट्स लाइक फीडिंग ऑन योर ओन शिट, सो कांट से एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। अभी इसको और खोलते हैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि CCV पाइप को यहाँ से खोलने की जगह नहीं है, इसका एक्चुअली क्लैंप नीचे होता है यहाँ से, तो हमने इसको फॉलो करते हुए यहाँ से खोल लिया है। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर ऐसे दो नॉचेज होती हैं, हम इसे थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे, उसके बाद इसका एक ही क्लिप होता है, मैंने लूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो इसे हम ऐसे निकाल लेंगे एंड कीप इट सेफ़, ये दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने ये साइड कर दिया। उसके बाद हमें बस CCV वाल्व को पीछे पुल करना है और CCV बाहर आ जाएगा, एंड मेक श्योर कि इसका रिटेनर लूज़ होता है कभी कभी, जैसे मेरे वाले में अभी तो ये टाइट है, इसके अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर भी ऑयल देख सकते हैं, तो रिटेनर क्लिप को थोड़ा सा ध्यान से रखें। बाकी यहाँ से एक्चुअली में जो ऑयल इवेपोरेट होता है इंजन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आके इवेपोरेशन पॉइंट तक आने के बाद, वो यहीं से वापस आता है एग्जॉस्ट के अंदर। तो अब नेक्स्ट थिंग हमें जो करनी है, हमें एक्चुअली में एक ये वैक्यूम की होज भी है छोटी सी, ये यहाँ से उतर जाएगी, हमें यहाँ से उतारनी है, दोनों आज चाहिए होंगे, मैं उतारता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ। तो अभी भी हमारे पाइप उतारने के लिए इतनी एक्सेस नहीं है कि हम पीछे हाथ चला के स्क्रूज़ को लूज़ कर सकें, तो व्हाट वी आर गोना डू इज़ जो एयर फिल्टर की हाउसिंग है पूरा बॉक्स, हम उसे उतारेंगे। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक स्क्रू है एंड आई गेस इट्स T40, मैं भी आपको एक मिनट के अंदर कन्फर्म करता हूँ ये कौन सा है। इसे लूज़ करेंगे पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा, फिर बहुत सारी जगह होगी हमारे पास काम करने के लिए। एज आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट अ T40, इट इज़ अ T30, तो हमें इसे लूज़ करना है। उसके बाद पूरा बॉक्स हमें एक इसे लूज़ करना है एंड दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अ रबर क्लैंप जो बस सिर्फ फंसा हुआ है, इसे ऊपर खींचना है बाहर आ जाएगा। एंड थर्ड एक पीछे होता है वो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, वो ABS मॉड्यूल के ऊपर है,
वो भी एक क्लैंप ही है और एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। आपको स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर खींचना है, एयरबॉक्स बाहर आ जाएगा। एयरबॉक्स के नीचे एक वाटर ब्लीडिंग लाइन होती है, वो भी उसके साथ बिल्कुल बाहर आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब जैसे कि हमने एयरबॉक्स खोल लिया है, ये वाला क्लिप बता रहा था मैं आपको जो ABS ब्रैकेट के साथ था, और आगे एक रबर था, रबर का ग्रोमेट है, इसमें सिर्फ खींचना था एयरबॉक्स को। पर इसका लगाने का वापस तरीका अलग है, वो लगाते टाइम पे दिखाऊंगा आपको। एंड अब हमारे पास इजी एक्सेस है, यहाँ नीचे से हाथ डाल के हम स्क्रूज खोल सकते हैं जो भी हमें खोलने हैं पाइप के, होज के। एंड नीचे भी बहुत सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, तो इट्स अ राइट टाइम टू चेक इफ़ समथिंग इज़ लीकिंग और नॉट इन अ गुड शेप। बाकी मैं आपको ये वाली वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा रेफ़र करूँगा, क्योंकि मुझे गेयरबॉक्स चेंज करना है, गेयरबॉक्स ऑयल चेंज करना है, गेयर ऑयल। तो उसके लिए भी हमें मोस्ट प्रोबेबली एयरबॉक्स खोलना पड़ेगा, गेयरबॉक्स को फिल करने के लिए यहीं से फिल करेंगे, तो ये वीडियो दोबारा काम आएगी। मैं इसको होज को खोलता हूँ, आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसके पीछे ये जो क्लैंप है ये वाला, इसको लूज़ कर दिया था, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें से बस पाइप को पकड़ना है। यू हैव टू जस्ट शेक इट लिटिल, ये बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ गई, ये टर्बो का इनलेट है, तो अभी इसे निकाल के हम बाहर साइड में रख लेते हैं। इसके अंदर ऑयल होगा और हमें वो क्लीन करना है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, यस यू कैन सी इट नाउ, ऑयल वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं इसके अंदर, तो हमें इसे क्लीन करना है। अब हमें ये वाली पाइप लूज़ करने के बाद एक चीज़ और चेक करनी है, एंड दैट इज़ कि थोड़ा सा कि टर्बो के अंदर ऑयल कितना है। जैसे कि हम देख सकते हैं टर्बो के अंदर हल्का सा मॉइस्चर है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ गया है, तो CCV की तरफ से टर्बो के अंदर जा रहा है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये टर्बो की तरफ से लीक हो के ये पूरा वेल भरा होता, तो हमें ये था कि शायद टर्बो के बेयरिंग्स लीक हैं, जिसकी टर्बो के बेयरिंग्स गिव अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल लीक होना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तो ऐसे कोई इशू नहीं है। अब हमें ये ब्लैक वाला पीस भी खोलना है, जैसे आप देख सकते हैं इसके साइड में एक T20 T25 का एक स्क्रू है टॉक्स का, मैं इसे खोलूँगा और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, नहीं क्लॉकवाइज घुमाना है, इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि उसके पीछे एक क्लिप है, ये इसके अंदर फंसा होता है और कुछ नहीं है। इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, उसका क्लीन करेंगे और वापस लगाएंगे अच्छे से। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने वो जो आपको पीस दिखाया था अभी टर्बो इनलेट होस का, वो मैंने बाहर निकाल लिया है, एंड इट हैज़ अ गैस्केट इनसाइड इट, जो ग्रीन कलर की देख रहे हैं आप वो गैस्केट है। हम आप देख सकते हैं इसके अंदर नॉचेस बने हुए हैं, तो ये उसी अकॉर्डिंगली फंसता है उसके अंदर, सो थोड़ा सा गैप पे रहता है, बिल्कुल टर्बो के साथ चिपक नहीं जाता लॉक होने के बाद, जिसकी वजह से शायद थोड़े लोगों को डाउट हो सकता है कि ये प्रॉपरली टाइट नहीं है, बट सील उसे प्रॉपरली टाइट रखती है। तो हम इसे क्लीन करेंगे और वहाँ पर जो हमारा टर्बो है, इस टर्बो को भी क्लीन करेंगे अच्छे से। बट बी केयरफुल, वी नीड अ क्लॉथ विच इज़ सुपर डुपर क्लीन एंड इफ पॉसिबल लिंट फ्री, तो उसे क्लीन करके दोबारा रीइंस्टॉल करेंगे एंड देखेंगे हमारी हिसिंग की आवाज़ यहीं से आ रही थी। क्योंकि अगर आप आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपने इतना ध्यान दिया हो कभी, तो हिसिंग की साउंड जो प्रेशर लीक होता है उसकी और वैक्यूम पुल करने की साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आई फील इट मोर लाइक अ वैक्यूम लीक, सो यहीं से हो सकता है। नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं टर्बो से, ये वापस की जा रही है इंटरकूलर के अंदर, तो ये प्रेशराइज्ड है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये प्रेशर लीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है वैक्यूम लीक है, मैंने इसलिए ये काम करा है। अभी आपको जो पार्ट्स आपने उतारे हैं उन्हें चेक करेंगे विजुअली कि उनमें से कोई कहीं क्रैक तो नहीं है जिसकी वजह से लीक आ रहा है, और उसके बाद उसे प्रॉपरली क्लीन करके वापस लगाएंगे। ऑल द पार्ट्स हैव बीन क्लीन प्रॉपरली, अंदर से भी बाहर से भी, ऐसे ही मैंने वो वाली ट्यूब को भी साफ़ कर लिया है, वाली होज को। तो अब हम इसे वापस लगाएंगे, एंड जैसे मैंने आपको बताया था इसका लगाने का तरीका सिंपल है। हमें इसे, अरे ये तो रह ही गया साफ़ करना ऊपर से, इसे भी करेंगे, मैं इसे करता हूँ फिर दिखाता हूँ।
अब जैसे हमने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, इसे लेंगे। ये जो स्क्रू वाली साइड है ये ऑलमोस्ट ऐसे होगी टेढ़ी, उसके बाद इसे ऐसे लगाएंगे, ये अंदर प्रेस हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे लॉक हो जाएगा। इसकी जो पीछे वाली क्लिप है ये इसके अंदर आके लॉक हो जाएगी। अब हमें सिर्फ स्क्रू टाइट करना है। पहले हाथ से टाइट करेंगे, जितने भी स्क्रूज़ हम टाइट करते हैं पहले हाथ से टाइट करते हैं, उसके बाद हम उसे रेंच से टाइट करते हैं ताकि हम उसे ख़राब करने के उससे बच जाएं। तो जैसे जैसे हमने सारा कुछ उतारा है वैसे वैसे वापस लगाना है और फिर चेक करना है कि हमारी वैक्यूम लीक की आवाज़ अभी भी आ रही है या नहीं।